हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके साथ इसी मूंग की दाल की चटपटी से चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो मूंग की दाल के बनाने के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में मूंग की दाल को भिगो दिया है। तो इसको 3-4 बार साफ पानी से धो लेंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो कर छोड़ देंगे। तो 300 ग्राम मैंने इसमें मूंग की दाल यूज़ की है। और इतनी मूंग की दाल की पकौड़ियों से आप मैं फैमिली के 6 से 7 लोगों के लिए चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी मूंग की दाल को मैंने भिगोने के बाद, इसको जो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसको मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको बारीक पीस लेंगे पेस्ट बनाकर। और कुरकुरी और फूली फूली पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सोडा ऐड किया है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। तो कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड करें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होंगी पकौड़ियाँ। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और नमक आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसको फैट लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से, जिससे पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। और एक साइड मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं इन पकौड़ियों को मस्टर्ड ऑयल में बनाकर तैयार करूंगी। आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल काफी ज्यादा हेल्दी होता है हेल्थ के लिए, तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। और ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है पकौड़ियाँ बनाने के लिए, तो हल्के गर्म ऑयल में ही हम पकौड़ियों को डालते जाएंगे। तो हाथों को अच्छे से क्लीन किया हुआ है और हाथों से सभी पकौड़ियाँ इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये पकौड़ियाँ मीडियम साइज की बनाकर तैयार करें, क्योंकि पकौड़ियाँ बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। तो एक बार जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी सभी पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर देंगे। और जब तक ये पकौड़ियाँ ऊपर ना जाए तब तक आप इनको ना पलटें। और आप देख सकते हैं ये गोल मटोल फूली फूली पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो एक साइड से ये कुक हो चुकी है। सभी पकौड़ियों को लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे बनाकर तैयार करना, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पकौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। सभी पकौड़ियाँ फूल चुकी हैं और कलर भी इन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर की पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, तो हल्का सा जब इन पे गोल्डन कलर आ जाए तो पकौड़ियों को अलटते पलटते हुए इनको फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जब पकौड़ियाँ अच्छे से कुक हो जाएंगी और इनको जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा सबको अलग निकालते हुए इनको अलग प्लेट में, तो सेम तरीके से सभी बैच को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लास्ट बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये मूंग की दाल की पकौड़ियों की चाट आप किसी भी फेस्टिवल पर इसको बना सकते हैं। होली दिवाली पर बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। आप इसको जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको बना। सभी पकौड़ियाँ हम बनाकर तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। सभी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब जितनी भी पकौड़ियों से आपको चाट बनानी है तो उतनी पकौड़ियों को हम हल्के से गुनगुने पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट चाट बनाकर तैयार करूँगी, तो इसमें मैं 7 से 8 पकौड़ियाँ पानी में भिगोकर छोड़ दूंगी। और 10-15 मिनट के लिए मैंने इनको हल्के से गुनगुने पानी में पकौड़ियों को भिगो दिया था और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसको हम निकाल देंगे और पकौड़ियों को हल्का सा इस तरीके से तोड़ देंगे, जिससे चाट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। और इसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा सा दही ऐड करेंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फैट लिया था और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये दही है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टी इसमें दही नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा खट्टी और चटपटी सी हरी धनिया पुदीने की चटनी भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी और बहुत ही ज़्यादा खट्टी है। इमली की कटी मीठी चटनी की इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इन दोनों चटनी की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर काला नमक और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। और देख सकते हैं चटपटी सी मूंग की दाल की चाट बनकर तैयार। आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।